का प्रेरक प्रसंग। आपसी फूक महंगी पड़ी। प्राचीन समय में एक विचित्र पक्षी रहता था। उसका धड़ एक ही था परंतु सिर दो थे। नाम था उसका भारुंड। एक शरीर होने के बावजूद उसके सिरों में एकता नहीं थी और नहीं था तालमेल। वे एक दूसरे से बैर रखते थे। हर जीव सोचने समझने का काम दिमाग से करता है और दिमाग होता है सिर में। दो सिर होने के कारण भारुंड के दिमाग भी दो थे, जिनमें से एक पूरब जाने की सोचता तो दूसरा पश्चिम। फल यह होता था कि टांगे एक कदम पूरब की ओर चलती तो अगला कदम पश्चिम की ओर, और भारुंड स्वयं को वहीं खड़ा पाता था। भारुंड का जीवन बस दो सिरों के बीच रस्साकसी बनकर रह गया था। एक दिन भारुंड भोजन की तलाश में नदी तट पर घूम रहा था कि एक सिर को नीचे गिरा एक फल नजर आया। उसने चोंच मारकर उसे चखकर देखा तो जीभ चटकाने लगा, वाह, ऐसा स्वादिष्ट फल तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। भगवान ने दुनिया में क्या क्या चीजें बनाई हैं। अच्छा, जरा मैं भी चखकर देखूं। कहकर दूसरे ने अपनी चोंच उस फल की ओर बढ़ाई ही थी कि पहले सिर ने झटक कर दूसरे सिर को दूर फेंका और बोला, अपनी गंदी चोंच इस फल से दूर ही रख, यह फल मैंने पाया है और इसे मैं ही खाऊंगा। अरे, हम दोनों एक ही शरीर के भाग हैं, खाने पीने की चीजें तो हमें बांटकर ही खानी चाहिए, दूसरे सिर ने दलील दी। पहला सिर कहने लगा, ठीक, हम एक शरीर के भाग हैं, पेट हमारे एक ही हैं, मैं इस फल को खाऊंगा तो वह पेट में ही तो जाएगा और पेट तेरा भी है। दूसरा सिर बोला, खाने का मतलब केवल पेट भरना ही नहीं होता भाई, जीभ का स्वाद भी तो कोई चीज है, तबीयत को संतुष्टि तो जीभ से ही मिलती है, खाने का असली मजा तो मुंह में ही है। पहला सिर तुनक कर चिढ़ाने वाले स्वर में बोला, मैंने तेरी जीभ और खाने के मजे का ठेका थोड़े ही ले रखा है, फल खाने के बाद पेट से डकार आएगी, वह डकार तेरे मुंह से भी निकलेगी, उसी से गुजारा चला लेना, अब ज्यादा बकवास न कर और मुझे शांति से फल खाने दे। ऐसा कहकर पहला सिर चटकारे ले लेकर फल खाने लगा। इस घटना के बाद दूसरे सिर ने बदला लेने की ठान ली और मौके की तलाश में रहने लगा। कुछ दिन बाद फिर भारुंड भोजन की तलाश में घूम रहा था कि दूसरे सिर की नजर एक फल पर पड़ी। उसे जिस चीज की तलाश थी उसे वह मिल गई थी। दूसरा सिर उस फल पर चोंच मारने ही जा रहा था कि पहले सिर ने चीख कर चेतावनी दी, अरे अरे, इस फल को मत खाना, क्या तुझे पता नहीं कि यह विषैला फल है, इसे खाने पर मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा सिर हंसा, हे, तू चुपचाप अपना काम देख, तुझे क्या लेना देना है कि मैं क्या खा रहा हूँ, भूल गया उस दिन की बात। सिंगल कोट। पहले सिर ने समझाने की कोशिश की, तूने यह फल खा लिया तो हम दोनों मर जाएंगे। दूसरा सिर तो बदला लेने पर उतारू था, बोला, मैंने तेरे मरने जीने का ठेका थोड़े ही ले रखा है, मैं जो खाना चाहता हूँ वह खाऊंगा चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, अब मुझे शांति से विषैला फल खाने दे। दूसरे सिर ने सारा विषैला फल खा लिया और भारुंड तड़प तड़प कर मर गया। शिक्षा, आपस की फूट सदा ले डूबती है। आज का दूसरा प्रेरक प्रसंग, हीरे की खान। अफ्रीका महाद्वीप में हीरों की कई खानों की खोज हो चुकी थी, जहां से बहुतायत में हीरे प्राप्त हुए थे। वहां के एक गांव में रहने वाला किसान अक्सर उन लोगों की कहानियां सुना करता था जिन्होंने हीरों की खान खोजकर अच्छे पैसे कमाए और अमीर बन गए। वह भी हीरे की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरों की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद भी उसे हीरों का कुछ पता नहीं चला। समय गुजरने के साथ उसका मनोबल गिरने लगा। उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई देने लगा। वह इतना हताश हो गया कि उसके जीने की इच्छा ही समाप्त हो गई और एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान, जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसी खेत के मध्य बहती छोटी नदी पर गया। सहसा उसे नदी के पानी में से इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता दिखाई पड़ा। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ने से वह चमक रहा था। किसान ने झुककर वह पत्थर उठा लिया और घर ले आया। वह एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि यह सजावट के काम आएगा और उसने उसे घर पर ही सजा लिया। कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर पर सजा रहा। एक दिन उसके घर उसका एक मित्र आया। उसने जब वह पत्थर देखा तो हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, मित्र, तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मेरे ख्याल से ये हीरा है, शायद अब तक खोजे गए हीरों में सबसे बड़ा हीरा। मित्र बोला। किसान के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसे यह पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे मिला है। वहां ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पहुंचे और वहां से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिए। फिर उन्हें जांच के लिए भेज दिया।
जब जांच रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली। वे पत्थर हीरे ही थे। उस खेत में हीरों का भंडार था। वह उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरे की खदान थी। उसका खदान का नाम किम्बले डायमंड माइंस है। दूसरा किसान उस खदान की वजह से मालामाल हो गया। पहला किसान अफ्रीका में दर दर भटका और अंत में जान दे दी, जबकि हीरे की खान उसके अपने खेत में उसके पैरों तले थी। शिक्षा मित्रों, इस प्रसंग में हीरे पहले किसान के पैरों तले ही थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया और उनकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्ति के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते जो हमारे आसपास ही छुपे रहते हैं। जीवन में सफल होना है तो आवश्यकता है बुद्धिमानी और परख से उन अवसरों को पहचानने की और धैर्य से अनवरत कार्य करने की। सफलता निश्चित है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो और लेकर आऊँ। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मुझे हौसला मिले। धन्यवाद। सदैव प्रसन्न रहिए।